नमस्कार सर। नमस्कार। जल समस्या भयंकर समस्या रही है और आने वाले समय में कहा जाता है युद्ध भी जल के लिए ही होगा। लोगों को किस प्रकार की प्रेरणा देना चाहेंगे? लोगों को इसलिए कि पानी का सदुपयोग करें और पानी को व्यर्थ नहीं पाए। जैसे क्या है कि कहीं से लाइन स्टार्ट होती है तो लोग क्या करते हैं, जिनके पहले कनेक्शन है, जिनके पानी अच्छी तरह से आता है, वो बूस्टर भी लगा लेते हैं, वो पानी का व्यर्थ पाते हैं, नालियों में डाल देते हैं। मतलब पानी आता है तो फुल बहाते हैं। ये हर जगह समस्या है, सांडवा के भी हो चाहे और भी गाँव हो, जहाँ जिनके फुल आता है ना, वो ये नहीं सोचता कि आगे वाले जो घर है जो टेल पे है उनके पानी जाना चाहिए। वो सोच रहा है जितने देर चल रहा है बस मेरे चले, वो उसको अपने गुआड में पानी से फूल गिराता है, इस तरह से क्या व्यर्थ पाता है। तो इससे लोगों से ये निवेदन है कम से कम पानी को व्यर्थ पाए नहीं, जितना पानी उसके सदुपयोग करे, उसके बाद अपने नल को बंद कर दे ताकि जो पीछे के लोग हैं उनको पानी मिले। जैसे पुराने समय में जो घर बनते थे तो लोग अपने घरों में पानी की कुंड बनाते थे बारिश की, और आजकल वो लुप्त होते जा रही है, कहीं जल संकट के लिए ये भी एक जिम्मेदार कारण है। इससे ये शहरों की समस्या ज्यादा है, गाँव में तो फिर भी लोग क्या है कि कुंड बना के रखते हैं। तो अभी जैसे नहरबंदी थी पिछले 2 महीने से, तो उसमें जिन लोगों के कुंड नहीं थे उनको काफी भयंकर समस्या का सामना करना पड़ा है, कि उनके क्या कि 2-3 टंकी है या कुछ गड़े मटके अपने घर में साथ उनको भर लिया तो पानी फिर 4 दिन आया नहीं, तो उनको ज्यादा समस्या का सामना। जिसके घर में कुंड था तो अगर 2 घंटे अपन सप्लाई करते हैं तो उसका कुंड मान लो आधा हो जाता है, तो उसके 4-5 दिन चल जाता है, लेकिन जिसके पानी का स्टोरेज ही कम है तो उसके बेसिकली के अभी गर्मियों में सबसे ज्यादा लोग आपको मिस करते हैं, उसका कारण क्या है? उसका है पानी की कमी। पानी की कमी सबसे बड़ा कारण है, ये हमने जाना। और हम यहाँ सांडवा क्षेत्र को संभालने वाले दिनेश जी से भी बातचीत करना चाहेंगे। दिनेश जी नमस्कार। नमस्कार। आप यहाँ स्थानीय क्षेत्र के हो और यहाँ लोगों को पानी की समस्या को भयंकर सामना करना पड़ा, तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जैसे पानी आता है तो लोग खूब बहाते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? बहाते हैं वो बारिश के टाइम पे, मेरा ये निवेदन रहेगा कि बारिश के पानी को स्टोर करके रखें, क्योंकि नहरबंदी जैसी कई समस्या आ जाती है, कभी हमारा पाइपलाइन लीकेज भी हो जाता है, उसकी वजह से 2-3 दिन हमें टाइम लग जाता है। इसलिए ये नहर जो अपना पानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो होना बहुत ज़रूरी है, हर घर में पानी की टंकी हो ताकि पानी स्टोर हो तो इमरजेंसी में पानी यूज़ कर सकें। और जो ये सांडवा क्षेत्र की जो पानी की समस्या है, बिदासर की समस्या है, आप बिदासर पूरे तहसील के अधिकारी हो, तो ये समस्या का समाधान कब तक होने की उम्मीद है? 1-2 दिन में हो जाएगा, नहर का पानी स्टार्ट हो गया है, 1-2 दिन में नहर का पानी से लोगों का समाधान हो जाएगा। पानी है ट्यूबवेल का पानी दोनों मिक्स करके तो हम पानी पूरा सप्लाई है वो सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल, ये हमारे साथ दिनेश जी थे और इन्होंने आश्वस्त किया कि थोड़े समय में समाधान हो जाएगा। हमारे साथ शिक्षा विभाग के यहाँ पर अधिकारी हम उनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। आज प्रशासन गांवों के संग फॉलोअप शिविर में आपने किन समस्याओं को समाधान किया है, लोगों ने आपसे क्या जानकारी प्राप्त की? देखिए वैसे तो हमारी आज यहाँ ड्यूटी नहीं थी, लेकिन गाँव का नागरिक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ इस स्कूल में मेरी ड्यूटी है। तो गांव के लोग हैं वो अगर किसी जाति मूल निवास है या आय है, अगर उनके लिए साइन के लिए उनकी दिक्कत आती थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना यहाँ पे रहूं और लोगों के बीच में अपने साइन जो जरूरत हो उनकी साइन प्रमाणित करने के लिए। हाँ, ये हमारे साथ ईश्वर राम जी थे जो प्रतियों को प्रमाणित करने के लिए सत्यापित करने के लिए यहाँ पर बैठे। और भी Please like, share and subscribe and don't forget to